Hello everyone, this is Tanuja Gupta and welcome to Biology Gurukul. And yes, I am back with a topic that is pedigree analysis. I'm going to explain this in Hindi. So pedigree analysis, iska kya matlab hota hai? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब कि जब कभी भी हम किसी डिजीज को ये देखें कि ये उसके पहले के पेरेंट्स उसके ग्रैंड पेरेंट्स में किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है और उसके बेसिस पे हम ये पता कर सके कि अब उसके ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में ये किस तरह से ट्रांसफर होगा, इस पूरे पैटर्न को एनालाइज करना दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. ओके, सो डॉक्टर क्या करते हैं, जनरली एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखते हैं और उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि कैसे हम उसको डिजीज उसके बच्चों में आएगी या नहीं. ओके, सो इन सबको एनालिसिस करने का एक तरीका होता है. क्या हम इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं. बट उससे पहले पेडिग्री को समझने के लिए कुछ सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम उनको फ्लो चार्ट में पुट करते हैं. लाइक इस सिंबल को हम डिनोट करते हैं मेल, इस सिंबल को फीमेल. ओके, इफ मेल, अगर मेल को कोई बीमारी है, डिजीज है या वो पर्टिकुलर वो ट्रेट है और वो इन्फेक्टेड है तो हम मेल को इस तरह से डिनोट करेंगे, हम उस एरिया को डार्क कर देंगे. फीमेल होगा तो हम उस एरिया को डार्क कर देंगे, ये अफेक्टेड फीमेल है. ये क्या है, द बोथ आर अफेक्टेड. ओके, अगर फीमेल अफेक्टेड नहीं है बट वो क्या है, एक कैरियर की तरह एक्ट कर रही है, वो उस डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में पास कराएगी बट खुद उससे अफेक्ट नहीं होगी, तो उसको हम इस तरह से डिनोट भी करते हैं और किसी किसी जगह आपको इस तरह से भी मिलेगा. सो दैट इज वॉट द फीमेल इज एक्टिंग एज अ कैरियर. ओके, बेसाइड्स ऑफ इट, अगर एक मेल और फीमेल में मैरिज हो रही है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ये क्या शो करता है कि दोनों में मैरिज हुई है, और अगर उनके बच्चे हुए हैं तो उसको हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बताएंगे, लाइक दिस. तो ये हमारी क्या हो गई, नेक्स्ट जनरेशन हो गए, यानी कि चिल्ड्रन हो गए. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज टू डिनोट द पेडिग्री एनालिसिस. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट क्या क्या पार्ट है पेडिग्री के. पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले यू एज यू नो इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं. कौन कौन से, ऑटोसोम्स, और दूसरा कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम. ओके, फाइन. तो पेडिग्री एनालिसिस भी क्या होगा, ऑटोसोम से रिलेटेड होगा एक, और एक सेक्स क्रोमोसोम से, क्योंकि जो भी एबनॉर्मलिटीज या जो भी डिजीज होगी या तो ऑटोसोम्स की वजह से होगी या सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होगी. अगर ऑटोसोम्स में यू नो देयर आर 23 पेयर्स, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से 22 हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है. ओके, तो अगर डिजीज ऑटोसोम्स में है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज. और डिजीज को हम दूसरा नाम देते हैं ट्रेट. ये दो तरह का होता है, जैसे कि मेंडल ने बताया था कि कोई भी अलील या कोई भी ट्रेट है, या तो वो अलील डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा. जैसे कि अगर ये है और ये है, तीन तरह के जीनोटाइप मेंडल ने बताया था. इस कंडीशन में ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है तो सिर्फ ये ही एक्सप्रेस होगा और ये रिसेसिव एलील है. सो उसी तरह से ऑटोसोमल भी दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट, ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव. क्लियर, ऐसे ही सेक्स क्रोमोसोम भी दो तरह के होंगे. बट उससे पहले हमारे ह्यूमन बीइंग में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई. ओके, सो एक्स इज ऑल्सो फर्दर डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम और एंड रिसेसिव. ओके, बट वाई दिस, वाई का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है या इंटरेक्शन नहीं, दैट्स व्हाई ये एक सिंगल टाइप ही होता है. ओके, सो अब हम इन सबको स्टडी करेंगे कि इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या फीचर्स है और कैसे हम पता कराएंगे किसी पेडिग्री चार्ट को देखें कि इसमें कौन सा वाला ट्रेट प्रेजेंट है. ओके, तो चलो हमें इसे देखते हैं. तो सबसे पहले मैं ले रही हूं, ऑटोसोमल डोमिनेंट वन. Okay, so this is the type of autosomal dominant trait. What are the characteristics? This is the pedigree chart. What happens? सबसे पहले क्या होता है, इसमें ये कभी भी कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करता, यानी कि वो डिजीज जो ट्रेट है
वो हर जनरेशन में अपीयर हुआ। देखते हैं यहाँ पे फादर को वो ट्रेट अपीयर हो रहा है। अब जब उसके जब बच्चे हो रहे हैं उनमें से एक बेटी को और एक बेटी को भी वो ट्रेट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी वो डिजीज मिल रही है। ये पहला जनरेशन है इसमें भी मिल रही है, सेकेंड जनरेशन में मिल रही है। अब जो वो बेटी है एक दूसरे मेल से मैरी करने के बाद उनके जो बच्चे, यहाँ पे भी वो ट्रेट अपियर हो रहा है। तो ये थर्ड जनरेशन है, यानी कि हर जनरेशन में वो ट्रेट अपियर होगा। एंड यस, कैसे हम देखेंगे कि जो बच्चे वो आगे मैरिज होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें है। अगर हम सिर्फ इनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करोगे तो हमें नहीं कुछ पता चलेगा। पॉइंट क्या होता है कि कभी कभी अफेक्टेड जो पेरेंट होते हैं उनसे हमें अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी मिल सकते हैं, कि मतलब अफेक्टेड पेरेंट है बट चिल्ड्रन जो है वो हमारे अफेक्टेड नहीं है। ओके, यहाँ पे तो अभी इतना नहीं है पॉसिबल है केस, बट किसी किसी केस में ऐसा भी होता है। ओके, अब इसमें अगर हमें जीनोटाइप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? डोमिनेंट है यानी कि वो अगर होमोजाइगस स्टेट में हो या फिर हेटरोजाइगस स्टेट में, दोनों ही स्टेट में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और ऑटोसोमल है, उसे हमें कैसे बताते हैं? ए ए ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये तो डोमिनेंट भी क्या होंगे? अफेक्टेड वाले होंगे, मतलब कि इनमें डिजीज कॉज होगी, और ये क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा। ओके, तो अगर हमें किसी का जीनोटाइप लिखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको लेंगे और जितने भी अनअफेक्टेड है उन सब के नीचे ये लिख देंगे। ओके, तो चलो मैं लिखती हूं, मैंने सबके नीचे जो अनअफेक्टेड है सबके नीचे ये वाला जीनोटाइप लिख दिया। अब मुझे पता करना है कि जो अफेक्टेड है उसमें इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप आएगा। ओके, अगर सपोज मैं ये वाला लेती हूं तो क्या होगा? ये जब इसके साथ मेट करेगा, क्रॉस करेगा, तो सारी जनरेशन कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? अफेक्टेड होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? दो बच्चे हैं जिनको कोई डिजीज नहीं है, तो मैं ये केस नहीं ले सकती। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये वाला केस लेना पड़ेगा। चलो इसको क्रॉस करा के देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस कराती हूँ तो क्या होता है? पहले ये जो है इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा, ए ए ए ए, और फिर जो स्मॉल वाला जो है फिर ये क्रॉस करेगा। तो क्या हुआ? ये जो हेटरोजाइगस कंडीशन है, ये दोनों क्या है? अफेक्टेड। तो ये दोनों बच्चे तो अफेक्टेड हो गए, और जो ये वाली होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन है ये क्या? अनअफेक्टेड। तो यहाँ दोनों बच्चे अनअफेक्टेड हो गए। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें ये जीनोटाइप लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जीनोटाइप होगा? ये वाला जीनोटाइप होगा, कैपिटल है स्मॉल है, यहाँ पे भी ये वाला जीनोटाइप। अब इन दोनों का क्रॉस कराना है, तो ये तो अनअफेक्टेड है तो डेफिनेटली ये तो सीधा जाएगा, और ये क्या होगा? कैपिटल है स्मॉल है जीनोटाइप होगा। तो इस तरह से हम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का जीनोटाइप लिखते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रेट। सेकेंड वन हमारा क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो आपको पता है जैसे मेंडल में हमने पढ़ा था, मेंडल लॉज में, कि रिसेसिव ट्रेट को अगर एक्सप्रेस करना है तो उसको कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? होमोजाइगस। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाले और ये वाले तो क्या होंगे? अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है, बट ये कंडीशन में क्या होगा? अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये वाला जो ट्रेट है वो रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब कि वो सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा। सो देखते हैं इसका पेडिग्री चार्ट और इसके पॉइंट्स। ओके, पहला पॉइंट क्या है कि रिसेसिव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सी, जब भी हम कोई पेडिग्री चार्ट देखते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस चार्ट में डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। सेकेंड थिंग हमें देखनी है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। तो पहला हमें क्या देखना है कि अब ये जनरेशन स्किप कर रहा है या नहीं, यानी कि जो डिजीज है वो हर जनरेशन में अपीयर हो रही है या फिर एक छोड़कर एक जनरेशन में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस जनरेशन में, ये पहला जनरेशन है, यहाँ पे फादर को डिजीज है। सेकेंड जनरेशन में भी फादर ने अपने बच्चों को ये डिजीज ट्रांसफर कर दी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेटी जो है उसको डिजीज नहीं है, उसने दूसरे से शादी की, मैरिज की, और उसके बच्चों में ये डिजीज अपीयर हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि जो मैरिज होगा उस वाली फैमिली को हम कंसिडर करेंगे, यहाँ वाली फैमिली को हम आगे की जनरेशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहली जनरेशन में डिजीज हो रही है, अब ये सेकेंड जनरेशन है, यहाँ पे डिजीज नहीं है, बट जब यहाँ से थर्ड जनरेशन में आया तो डिजीज हो रही है, यानी कि डिजीज क्या हो रही है? स्किप हो रही है। तो इसको देखते हमें पता चल जाएगा कि ये रिसेसिव ट्रेट है। बट अगर सपोज यहाँ पे भी डिजीज थी
और फिर यहाँ भी होती तो तीनों केस में क्या हो रहा है, डिजीज अपियर होती तो वो क्या होता, हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता। ठीक है, अब सेकंड हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑटोसोमल होता है या सेक्स लिंक होता है। सी यहाँ पे देखो, फादर से डिजीज दोनों में ट्रांसफर हो रही है, बेटा में बेटी में दोनों में ट्रांसफर हो रही है, मतलब कि वो मेल फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट कर रहा है। ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि फादर से सिर्फ डॉटर में आ रही है या फादर से सिर्फ सन में आ रही है। जब ये दोनों में इक्वली अफेक्ट हो रहा है, हमें यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको ही देखकर डिसाइड कर ले, नो, कभी कभी पैटर्न हमें नीचे तक भी देखना पड़ता है। अगर इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो डिजीज, यानी कि वो दोनों सेक्स को डिफाइन अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। अगर ऐसा होता कि फादर से सिर्फ डॉटर में आ रहा और ये डिजीज यहाँ नहीं होता, सिर्फ डॉटर में होता, तो हम बोलते हैं कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही है कि ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है इक्वली। थर्ड क्या हो सकता है इन केस ऑफ रिसेसिव, कि कई बार अनअफेक्टेड पेरेंट पेरेंट अनअफेक्टेड है, बट उनके जो चिल्ड्रन हैं वो क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। चिल्ड्रन में ही वो डिजीज हो सकती है जबकि पेरेंट्स में वो डिजीज नहीं है। दिस यूनिक कैरेक्टर कम्स अंडर द रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ओके, चलो अभी हम इसका जीनोटाइप लिखते हैं कि कैसे हम इसका जीनोटाइप लिखेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो अनअफेक्टेड है उनका जीनोटाइप ये होगा, और अफेक्टेड का जीनोटाइप इस बार क्या होगा, स्मॉल ए। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो अफेक्टेड है उसमें डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ए स्मॉल ए। अब हमें डिसाइड करना है कि जो रेस्ट है अनअफेक्टेड उसमें हम कौन सा वाला जीनोटाइप लिखे। चलिए, अगर मैं ये वाला जीनोटाइप लिखती हूँ तो क्या होगा, अगर ये दोनों क्रॉस करेंगे तो सारी जनरेशन का जीनोटाइप ये होना चाहिए, बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस कराते, कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए, तो क्या क्या बनेगा, ये वाला पहले क्रॉस करेगा तो ए ये दो जीनोटाइप बनेगा, फिर स्मॉल वाला क्रॉस करेगा तो ये दो जीनोटाइप। ठीक है, तो ये दोनों जीनोटाइप तो यहाँ आ गए। रेस्ट टू में हम कौन सा जीनोटाइप लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए अन कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये अनअफेक्टेड है, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखू, ये लिखू या ये वाला लिखू। ठीक है, अगर मैंने सपोज ये वाला लिखा तो जनरेशन क्या होगी, क्रॉस कराते हैं तो ए ए सॉरी, अगर क्रॉस कराते हैं इसको तो ए ए कैपिटल ए कैपिटल ए ए, फिर ये स्मॉल वाला क्रॉस करेगा ये, तो यानी कि चारों ही सिचुएशन में कैपिटल ए आ रहा है, तो ये सब क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे। बट यहाँ पे एक जो चिल्ड्रन है, आई मीन एक चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है, तो ये वाला हम नहीं लिख सकते हैं जीनोटाइप। यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अब इन दोनों को क्रॉस कराइए, तो कैपिटल ए को पहले क्रॉस करा रहे हैं, ये केस आ रहा है, फिर स्मॉल ए को क्रॉस करा रहे हैं तो ये आ रहा है, यानी कि तीन तो उसमें से चिल्ड्रन जो होंगे वो अनअफेक्टेड होगा, बट एक चाइल्ड जो अफेक्ट होगा वो यही वाला है। तो अब मैं यहाँ पे, अब इसमें जीनोटाइप कौन सा वाला लिखू, ये वाला लिखू या ये वाला, तो ये वाला तो अभी तक तो डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें कैपिटल ए ए भी हो सकता है एंड हेटरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, दोनों में से कोई सा भी जीनोटाइप होता है। ये क्या होगा, जब उसके हम नेक्स्ट जनरेशन को रीड करेंगे तब हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला जीनोटाइप है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, सो दिस इज हाउ हम जीनोटाइप उसका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, और थर्ड हमारा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अभी तक हमने जो पढ़े वो सब क्या थे, ऑटोसोमल थे, मतलब कि उसमें मेल और फीमेल इक्वल ही अफेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। क्या होता है, जो भी एक्स लिंक है वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में ही क्या होता है, एक पैटर्न होता है, वो क्या होता है कि जो ट्रेट है वो या तो फादर से डॉटर में जाता है या फिर मदर से कहाँ जाता है, सन में, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये मदर और फादर है और इनके चिल्ड्रन क्या क्या है, डॉटर और सन। तो क्या होगा, फादर से डॉटर में जाएगा और मदर से सन, तो ये क्या होता है, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक, बिकॉज दे आर मेकिंग अ एक्स क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या रूल देखा था कि जब भी हम कोई पेडिग्री चार्ट देखेंगे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला जनरेशन में मदर को ट्रेट है, मदर को वो डिजीज है,
सेकेंड जनरेशन में उनके चिल्ड्रन में भी ये डिजीज आ रही है, दो में, ओके, डॉटर एंड सन में ये डिजीज ट्रांसफर हुआ है। थर्ड जनरेशन में यहाँ हम देख रहे हैं कि थर्ड जनरेशन में भी डिजीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मेल को डिजीज है, यही वाली डिजीज है, तो अब थर्ड जनरेशन में भी वो डिजीज ट्रांसफर हो रही है। तो यानी कि क्या तीनों जनरेशन में डिजीज है, तो ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ओके। सो दे डू नॉट स्किप द जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, कि अभी हम इसे कैसे पता करें कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, ठीक है। ऑटोसोमल में अगर मैं इस केस को देखूं, सिर्फ इस केस को, तो यहाँ पे क्या है कि मदर से उसके सन और डॉटर दोनों में हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वली अफेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू ऑटोसोमल तो मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये तो भाई ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक नहीं है। बट मैंने क्या बोला, सारे जितने भी अफेक्टेड है सबको देखना होता है, और उसके बाद हम लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो फादर है अगर वो अफेक्टेड है, तो यहाँ पे these two are wrong, so this one will be male and one female, okay। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि father affected है, तो father से trait कहाँ जा रहा है, सिर्फ daughter में जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि father से trait अगर सिर्फ daughter में जा रहा है और mother से सिर्फ son में, तो ये क्या आता है, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न है। तो ये क्या करेगा, ये एक्स लिंक ट्रेट को शो करेगा। अगर यहाँ पे एक भी सन अगर अफेक्टेड था, तो हम इसको ऑटोसोमल ट्रेट बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। इसी बेसिस पे हम पता करते हैं कि ये एक्स लिंक है या नहीं, ओके, ठीक है। तो चलिए लेट्स राइट इट्स जीनोटाइप, अब लिखते हैं। तो जीनोटाइप क्या, क्योंकि ये हम सेक्स लिंक से रिलेटेड है, तो फीमेल को हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं और मेल को एक्स वाई से डिनोट करते हैं। बट अगर अफेक्टेड होगा, बिकॉज ये डोमिनेंट होगा, तो उसमें तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये और ये, दोनों ही क्या होंगे, अफेक्टेड ट्रेट होंगे, ठीक है। बट अगर इसमें सिंपल वाला होगा, तो ये क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। ये सिंपल वाला होगा तो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। बट मेल के केस में क्या है, मेल के केस में सिर्फ एक को ही अफेक्ट होना इनफ है उसको डिजीज होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है और ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पे आने पे ही मेल क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। चलो तो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई एक्स एक्स लिखेंगे। तो ये एक्स 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 वाई, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों पे ही डोमिनेंट ट्रेट दिखाऊंगी, तो इसके अगर क्रॉस हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, क्रॉस ये बनेगा एक्स वाई, दिस वन अगेन एंड दिस वन अगेन। तो यानी कि चारों ही चिल्ड्रन क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अफेक्टेड है और दो अनअफेक्टेड है। तो यानी कि मैं ये वाला जीनोटाइप यहाँ पे नहीं ले सकती, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, आई विल टेक दिस वन जीनोटाइप, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, इसका क्रॉस कराते हैं पहले इसके साथ, दिस इज अफेक्टेड वन, दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड वन। अब इसको अगर हम लेंगे तो दिस इज नॉर्मल एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। तो ये दो तो आपके ये अफेक्टेड वाले हो गए और दो हमारे नॉर्मल हो गए। तो राइट, लेट्स राइट हेयर, दिस वन विल बी ये वाला, और यहाँ पे ये सिंपल है और यहाँ पे भी ये सिंपल। अब ये अफेक्टेड है, फादर है, तो ये तो यहाँ पे सिंपल ही हमें पता है अफेक्टेड होगा, तो यही वाला जीनोटाइप होगा। अब इसको अगर हम दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे अनअफेक्टेड है, अगेन यहाँ पे वो ट्रेट अपियर हो रहा है और ये अनअफेक्टेड है। सो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, एक जीनोटाइप लिखते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट वाला ट्रेट लेते हैं, फोर्थ टाइप है एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। सबसे पहले तो वही क्या बोला, चार्ट में हमें सबसे पहले देखना है कि ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेट है वो मदर को ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसने मैरिज किया है, ठीक है, ये फैमिली है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, सो फर्स्ट जनरेशन में अपियर हो रहा है, सेकेंड जनरेशन में अपियर हो रहा है और थर्ड जनरेशन भी अपियर हो रहा है। यानी कि ट्रेट जो तीनों जनरेशन में अपियर हो रहा है, तो ये तो डोमिनेंट होना चाहिए, पर मैंने तो इसे रिसेसिव का एग्जांपल दिया है। ऐसा क्यों, लेट्स सी, बिकॉज मैंने बोला कि हमें सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ भी एक और फैमिली है कि यहाँ पे मदर को डिजीज है, ट्रेट है, डॉटर को भी नहीं है, उसके हस्बैंड को भी नहीं है, पर उसके एक बेटे में वो डिजीज अपियर हो रही है, ट्रेट अपियर हो रहा है। यानी कि एक जनरेशन में आया,
दूसरी जनरेशन में नहीं है और तीसरी जनरेशन में आ गया, तो ये तो फिर रिसेसिव ट्रेट हुआ, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट ही जो है वो जनरेशन स्किप करता है। तो नाउ अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये रिसेसिव और डोमिनेंट में से हम कौन सा डिसाइड करें। सी अगर मैं इसको डोमिनेंट केस लेकर चलती हूँ, सपोज मैं डोमिनेंट केस लेकर चलती हूँ, तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, बट यहाँ पे भी वो ट्रेट अपियर होना चाहिए था, ठीक है, बट तो डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं रेसेसिव लेती हूँ तो रेसेसिव तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे रेसेसिव कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे दोनों मदर फादर ही अफेक्टेड है, दोनों मदर फादर ही अफेक्टेड है। अगर दोनों ही अफेक्टेड होंगे तो यहाँ पे यानी कि इसके दोनों ही जीन, यानी कि ये अफेक्टेड भी है और यहाँ पे भी रेसेसिव है, तो दोनों को ही एक्सप्रेस करना होगा, तो यानी कि इसके सारे चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे, यानी कि रेसेसिव ट्रेट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ रेसेसिव ट्रेट। मैंने थोड़ा सा ट्रिकी चार्ट लिया है ताकि आप सब तरह की पजल सॉल्व कर पाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है कि क्यों हमें रेसेसिव ले रहे हैं। चलिए अब ये एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, लेट्स सी। सी मदर से क्या हो रहा है, सिर्फ सन में ट्रांसफर हो रहा है, और मैंने बताया था जैसे आपको कि क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है कि मदर से सन में ट्रांसफर होता है और फादर से डॉटर में ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज ये मदर से पर्टिकुलरली सन में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज वाई ये एक्स लिंक। एक और चीज, रेसेसिव एक्स लिंक रेसेसिव का कैरेक्टर होता है कि मोस्टली मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो अभी आप यहाँ पे अगर काउंट करोगे मेल्स, 1 2 3 4 5 मेल्स कितनी अफेक्टेड है, 5 अफेक्टेड है, और फीमेल कितनी अफेक्टेड है, 1 2 3, ओनली 3 आर अफेक्टेड इन द होल पेडिग्री चार्ट। तो ये क्या दिखाता है कि मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इन केस ऑफ रेसेसिव, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मेन को या मेल को ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी मेल को ज्यादा होता है, फीमेल को कम होता है, ठीक है। यस वन मोर थिंग, एक्स लिंक वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में ही कभी भी ट्रेट फादर से सन में नहीं ट्रांसफर होगा, ये हमेशा ऐसे क्रॉस पैटर्न में ही ट्रांसफर होगा, फादर से सन में कभी ट्रांसफर नहीं होगा, मेक इट नोट डाउन, ओके। तो आई थिंक दिस वन पेडिग्री इज क्लियर। चलिए देखते हैं एक लास्ट पेडिग्री टाइम का, वाई लिंक ट्रेट, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, अगर हम इस चार्ट में देखिए, इसमें डोमिनेंट रिसेसिव ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए इसमें सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होते हैं, फीमेल अफेक्टेड नहीं होता। वाई लिंक यानी कि एक्स वाई में से वाई क्रोमोसोम पे ये ट्रेट अपियर होगा, तो यानी कि ये सिर्फ मेल्स ही अफेक्ट होंगे। यस वन मोर थिंग कि इसमें जो ट्रेट है वो फादर से हमेशा सन में ट्रांसफर होगा, कि एक्स लिंक में फादर से किस में ट्रांसफर हो रहा था, डॉटर में, बट इसमें ये सन में ट्रांसफर होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ये एक मेल अफेक्टेड है, तो इसके चिल्ड्रन में भी सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है, यहाँ भी मेल अफेक्टेड, तो इसके चिल्ड्रन में भी सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है। एक और चीज, यहाँ पे भी ये मेल अफेक्टेड है, तो इसके चिल्ड्रन में अफेक्टेड है और फिर उसके आगे चिल्ड्रन से अफेक्टेड है। तो ये क्या है, वाई लिंक्ड ट्रेट है। आई होप दिस होल पेडिग्री चार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज बटन को प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन भी प्रेस करिए, सो दैट आपको मेरे जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो सब मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।